Hey guys, चैनल सब्सक्राइब करने के बाद घंटा दबाएं ताकि आपको नई वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे। तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए चैनल। हेलो एंड वेलकम टू एनके डिजिटल पॉइंट। सो गाइस, कैसे हैं आप सभी? मैं नईम खान, आप देख रहे हैं आपका अपने YouTube चैनल एनके डिजिटल पॉइंट। गाइस, आपका भाई एक बार फिर से आ गया आपके लिए एक नई वीडियो लेकर। और आज की वीडियो धमाका वीडियो होने वाली है, क्योंकि आज की इस वीडियो में मिलने वाला है आपको अर्जेंट 25,000 रुपए तक का लोन। जल्दी से आप इस वीडियो को लाइक कर दीजिए। आज की इस वीडियो को लाइक करना तो बनता है मेरे भाई, क्योंकि आज की इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं कि आप कैसे ले सकते हैं 25,000 रुपए तक का लोन। यहां पर आपको आधार कार्ड नहीं देना है, बिना सैलरी स्लिप आपको यहां पर लोन मिल जाएगा। यहां पर आपको कोई बैंक स्टेटमेंट नहीं देने, ना ही आपको यहां पर इनकम प्रूफ देने की जरूरत है। यहां पर आपको केवल दो डॉक्यूमेंट्स देने हैं, या तो वोटर आईडी कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस या फिर पासपोर्ट, इनमें से कोई एक डॉक्यूमेंट देना है और दूसरा है पैन कार्ड। केवल पैन कार्ड और वोटर आईडी कार्ड से आपको यहां पर 25,000 रुपए का लोन मिलने वाला है। लाइव प्रूफ के साथ आपको यहां पर कंप्लीट प्रोसेस दिखाने वाला हूं, तो वीडियो स्किप बिल्कुल मत करना। 1.4% इंटरेस्ट पर आपको यहां पर लोन मिल जाएगा पूरे 90 दिनों के लिए। 100% आपको यहां पर लोन मिलेगा अगर आप वीडियो पूरा देख लेंगे। लेकिन आपको यहां पर इस वीडियो को लाइक जरूर करना है, और अगर आप नए मेहमान हैं, पहली बार वीडियो देख रहे हैं, चैनल जरूर सब्सक्राइब करके चले जाना, क्योंकि फाइनेंस रिलेटेड न्यूज़ आपको यहां पर मिलती रहती है। चलिए गाइस, टाइम वेस्ट नहीं करता आपका, चलिए देखते हैं कैसे यहां पर लोन के लिए अप्लाई करना है, कैसे आपको ये लोन मिलेगा। चलिए शुरू करते हैं। सो गाइज, एक लिंक डिस्क्रिप्शन में दे रखा है, जब आप उस पर क्लिक करेंगे सीधा प्ले स्टोर पे आप चले जाएंगे। यहाँ पर आपको एक एप्लीकेशन दिखाई दे रही है, कैश मामा इंस्टेंट पर्सनल लोन ऑनलाइन। ये एप्लीकेशन आपको डाउनलोड कर लेनी है। यहाँ पर आपको मिलेगा 25,000 रुपए तक का लोन, 3.9 रेटिंग है, 100K+ डाउनलोड की जा चुकी है ये वाली एप्लीकेशन। बहुत ही बढ़िया एप्लीकेशन, अगर आपको अर्जेंट लोन की जरूरत है तो आपको यहाँ पर लोन मिल जाएगा। केवल 4 स्टेप में आपको यहाँ पर लोन मिल जाएगा। कंप्लीट प्रोसेस आपको यहाँ पर बताऊंगा, वीडियो स्किप मत करना। डाउनलोड करने के बाद आपने इसको ओपन कर लेना है। ओपन करने के बाद इंटरफेस कुछ इस तरह का आपको देखने को मिलने वाला है एप्लीकेशन का। आपको आप यहां पर देख सकते हैं कि केवल वोटर आईडी कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस और पासपोर्ट और पैन कार्ड से आपको यहां पर लोन मिल जाएगा। सिंपल प्रोसेस है, 3 स्टेप में आपको यहां पर लोन मिल जाएगा। ठीक है, फर्स्ट लोन 24 घंटे से आप 48 घंटे के बीच आपको लोन मिल जाएगा, अगर आपका लोन अप्रूवल होता है। यहां पर आपने इसको फेसबुक से इसके अंदर साइनअप करना है। ठीक है, आपके पास एक फेसबुक अकाउंट होना चाहिए, बिना फेसबुक अकाउंट के आप यहां पर जो है साइनअप नहीं कर सकते। तो मैं यहां पर जल्दी से अपने फेसबुक अकाउंट से इसको लिंक करके यहां पर साइनअप कर लेता हूं, और आगे का प्रोसेस आपको बताता हूं। तो यहां पर मैंने ये कर लिया सब कुछ। सबसे पहले आपको यहां पर डालना है आपके एरिया का पिन कोड, पर तो मैंने अपना यहां पर पिन कोड डाल दिया। उसके बाद आपको डालना है आपका डेट ऑफ बर्थ। डेट ऑफ बर्थ डालने के बाद आपने इसको नेक्स्ट कर देना है। जैसे ही आप इसको नेक्स्ट करते हैं, आप यहां पर दे सकते हैं 3 तरह के लोन यहां पर अवेलेबल है, 3,000 रुपए का, 5,000 रुपए का और 25,000 रुपए का। अगर आप 3,000 और 5,000 रुपए का लोन लेते हैं तो ये लोन मिलेगा आपको 14 दिन के लिए। अगर आप 25,000 रुपए के लोन लेते हैं तो आपको ये मिलेगा 90 दिनों के लिए। इनमें से अगर आप कोई भी लोन लेना चाहते हैं तो सबसे पहले आपको यहां पर अपनी प्रोफाइल कंप्लीट करनी होगी। कैसे कंप्लीट करनी है वो मैं अभी आपको आगे बता देता हूं। देख सकते हैं आप, यहां पर 4 स्टेप आपको कंप्लीट करने हैं। फर्स्ट स्टेप के अंदर आपको यहाँ पर पर्सनल इन्फॉर्मेशन, सेकंड स्टेप के अंदर एम्प्लॉयमेंट इन्फॉर्मेशन, थर्ड के अंदर केवाईसी डॉक्यूमेंट्स अपलोड करने हैं, और लास्ट में आपको बैंक डिटेल यहाँ पर देनी है। तो पर्सनल इन्फॉर्मेशन के अंदर आप यहाँ पर दे सकते हैं, सो कंप्लीट फिल करना है। यहाँ पर आपको अपनी कंप्लीट डिटेल सही से भरनी है, जैसे आपका फर्स्ट नेम, लास्ट नेम, आपके फादर का नाम, आपकी मदर का नाम, आपका करंट एड्रेस, आपका डेट ऑफ बर्थ, आपके एड्रेस प्रूफ के अंदर जो भी हो वही आपको यहाँ पर डालना है। मान लीजिए अगर आप यहाँ पर वोटर आईडी कार्ड देते हैं, और वोटर आईडी कार्ड के अंदर आपका जो भी डेट ऑफ बर्थ होगा, जो नाम होगा, वही आपने यहाँ पर सही सही डाल देना है। आपको यहाँ पर आपका करंट एड्रेस भी वही डालना है जो आपके डॉक्यूमेंट्स के अंदर हो। आपको यहाँ पर दो कॉन्टैक्ट नंबर देने होंगे, या तो आप अपने फैमिली में से किसी एक का नंबर दे दीजिए, दूसरा आपको यहाँ पर अपने फ्रेंड्स में से किसी एक का नंबर यहाँ पर देना होगा। जब आप ये सब कुछ कंप्लीट फिल कर देंगे, आपने इसको सबमिट कर देना है। उसके बाद आपको यहाँ पर एम्प्लॉयमेंट इन्फॉर्मेशन देनी है, जैसे एम्प्लॉयर नेम, एजुकेशन क्वालिफिकेशन, ऑक्यूपेशन, वर्किंग सेंस, सैलरी रेंज कितनी है आपकी, कितनी मंथली सैलरी आपको वो यहाँ पर डाल देनी है, और आपका ऑफिस पिन कोड क्या है, और आपका ऑफिस एड्रेस क्या है, वो आपको यहाँ पर सब कुछ सही सही डाल देना है। ये सब कुछ कंप्लीट फिल करने के बाद आपने इसको सबमिट कर देना है। मैंने यहाँ पर सब कुछ कंप्लीट फिल कर दिया है, और लास्ट में आपको आपका ईमेल एड्रेस वेरीफाई भी करना होगा। ओके, नीचे वेरीफाई का एक ऑप्शन आपको दिखाई देगा, ईमेल एड्रेस पर वेरीफाई पर क्लिक करना। आपके पास एक लिंक आएगा आपके ईमेल एड्रेस पर, वो उस लिंक पर आपने क्लिक करना और उसको वेरीफाई कर लेना है। ठीक है, मैंने यहाँ पर सब कुछ कंप्लीट फिल कर दिया है, और उसके बाद आपने इसको सबमिट कर देना है। उसके बाद आपको गाइज यहाँ पर केवाईसी डॉक्यूमेंट्स अपलोड करने हैं। जैसे कि मैंने आपको यहाँ पर बोला था, आपको यहाँ पर आधार कार्ड नहीं देना है, आपको यहाँ पर बैंक स्टेटमेंट नहीं देनी, सैलरी स्लिप नहीं देनी, केवल आपको यहाँ पर पासपोर्ट, ड्राइविंग लाइसेंस, वोटर आईडी कार्ड, इनमें से कोई एक डॉक्यूमेंट्स देना है। सो गाइज, मैं यहाँ पर अभी ड्राइविंग लाइसेंस अपलोड करने वाला हूँ। आपको यहाँ पर एक सेल्फी अपलोड करनी होगी अपनी, और उसके बाद आपको यहाँ पर एक पैन कार्ड अपलोड करना होगा। ठीक है, तो मैंने यहाँ पर अपना ड्राइविंग लाइसेंस की फ्रंट एंड बैक फोटो अपलोड कर दी, अपनी फोटो खुद की एक सेल्फी यहाँ पर अपलोड कर दी, और उसके बाद जैसे ही नेक्स्ट किया, नेक्स्ट पेज के अंदर आपको आपका पैन कार्ड की फोटो अपलोड करनी होगी।
सबसे पहले आपको पैन कार्ड नंबर डाल देना है, उसके बाद अपने पैन कार्ड की फ्रंट फोटो यहाँ पर अपलोड करनी। मैंने ये सब कुछ यहाँ पर अपलोड कर दिया, उसके बाद आपने इसको सबमिट कर देना है, ठीक है। तो चलिए मैंने यहाँ पर ये अपलोड करने के बाद इसको सबमिट कर देता हूँ, और सबमिट करने के बाद आपको आपकी बैंक डिटेल देनी है, ठीक है। सबसे पहले आपको बैंक कौन सा है वो सिलेक्ट करना है, उसके बाद आपका अकाउंट नंबर, और उसके बाद अपना IFSC कोड डालने के बाद इसको कन्फर्म कर देना है। मैंने यहाँ पर सभी डॉक्यूमेंट्स अपने कंप्लीट डाल दिए हैं। उसके बाद 3,000, 5,000, 25,000 जो भी लोन लेना चाहते हैं आप यहाँ पर लोन के लिए अप्लाई कर सकते हैं। मुझे लोन नहीं चाहिए, लोन आपको लेना है, उसके बाद लोन आपको अप्लाई करना है। मैंने आपको यहाँ पर बता दिया क्या क्या डॉक्यूमेंट्स आपको देने हैं, किस तरीके से आपने यहाँ पर अपलोड करने हैं, किस तरीके से KYC करनी है, सब कुछ मैंने आपको यहाँ पर बता दिया। तो मुझे उम्मीद आपकी वीडियो अच्छी लगी और समझ भी आ गई होगी। तो चलिए गाइस मिलते हैं कल एक नई वीडियो के साथ। आज के लिए बस इतना, ये वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच।